जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके सुहाने शो में खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट किसकी होगी, अगर हम अमेरिका के खिलाफ आवाज़ को बुलंद भी करते हैं, दो टोक मौके पर इख्तियार किया जाता है, तो पाकिस्तान के लिए स्पोर्टिंग कंट्रीज़ कौन सी होंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि इस्लामी इत्तेहाद बन रहा है मुख्तलिफ ममालिक खित्ते के अंदर, पाकिस्तान की वर्थ क्या है, हमारे बैक पे कौन खड़ा होगा कि अगर हम इस जंग में कूदते हैं, अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो कौन ऐसा मुल्क होगा जो हमें पीछे सपोर्ट करेगा। क्योंकि सुपर पावर्स के हवाले से देख लिया जाए तो कहा जा रहा है कि चाइना आने वाले दिनों की सुपर पावर है, जो कि हमें सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या हमें हर बार चाइना की तरफ ही देखना होगा कि वहाँ से कोई इमदाद आएगी, वहाँ से कोई हमारे लिए आवाज़ बुलंद होगी तो ही हम कामयाब हो सकेंगे, हम खुद इंटरनली कब इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि हम अपनी बात को, अपने मौकफ़ को आलमी सतह पर मनवा सकेंगे। आगा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है, क्या समझते हैं आगा साहब, आपके कोई हमारे खित्ते के अंदर हमारी अपनी वर्थ क्या है, हम हमेशा दूसरे ममालिक की तरफ ही क्यों देखते हैं? देखें, पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा या किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की जो स्ट्रेंथ होती है या ताकत होती है वो उसकी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन होती है। हर मुल्क चाहेगा कि उसकी एक ऐसी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन हो ताकि जो बैनुल अक़वामी रियासतें हैं वो उनमें दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर करें। जब उनकी दिलचस्पी ज़ाहिर होगी तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास जो है वो फंडिंग भी आएगी, पाकिस्तान के पास इंडस्ट्री भी आएगी, और फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में भी होगा कि अपनी मनमानी कर सके और अपनी बात जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए से मनवा सके। आपको वसीम याद हो कि कोई 4-5 साल पहले एक मरतबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने नेटो के बहुत सारे ऐसे जो कंटेनर्स थे उनको रोक लिया था, और उस वक़्त एक हमने अमेरिका को एक मैसेज दिया था कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और को 2 या 4 दिन से ज़्यादा अमेरिका जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता था अल्टीमेटली, क्योंकि वो जो नेटो फोर्सेस के जो कंटेनर थे उनमें सारी वो सप्लाई थी जो अफगानिस्तान में फौजें लड़ रही थीं अमेरिका की और नेटो की, उनके लिए सप्लाई थी। तो पाकिस्तान अगर उनकी सप्लाई बंद कर सकता था तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली, अपनी पोजीशन जो है उसको कन्वे भी कर सकता है। बिल्कुल आगा बाकी साहब, आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन को जो है मजीद मुस्तहकम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन वसीम यहाँ पर सवाल वही उठता है कि हमारे हुक्मरान कब इस हवाले से संजीदा होंगे, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं खासतौर पर अगर इंटरनेशनल पॉलिसीज को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती हैं। ये वक्त है कि हमें इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने सियासतदानों की बात करें तो वो अपने ही मसाइल में उलझे हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मैं आप दोनों से पूछता हूँ क्योंकि आपकी तरफ हम आएंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, हमें यहाँ पर कहा जा रहा है शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं जिसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।